हेलो एंड वेलकम गाइस अ वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरीवन आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के डेली कंजुव एनालिसिस में अ वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरीवन एंड आज की तारीख है दोस्तों ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मार्च एंड आप सबका तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस डिस्कशन में uh, दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस तारीख को लव योर सेल्फ एंड इट विल रेजोनेट अपने आप को आप प्यार करो और ये प्यार आपको खुश करेगा और ये प्यार आपकी लाइफ को और अपने आप को आपको ये बहुत अच्छा जो है वो आपको महसूस करेगा सो वेरी वेरी वॉम वेलकम एवरी वन आप सबका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरी आवाज़ आपको आ रही है एम आई ऑडिबल टू एवरी वन एक बार ज़रा फटाफट कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से तो याद रखिएगा अपने आप को प्यार करो अपने के बारे में सोचो दुनिया में हमेशा अच्छा ही देखो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा वेरी वेरी वॉर्म वेलकम एवरी आप सबका स्वागत है uh, कल हमने आपसे तीन क्वेश्चन पूछे थे क्वेश्चन नंबर वन था वॉट इज बायोट्रिक रिसेंटली न्यूज में क्यों है ये विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलेबोरेटेड टू लॉन्च द विमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनमी फंड एंड क्वेश्चन थ्री था रिसेंटली विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इशू फाइव करोड़ आयुष्मान कार्ड्स अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो इसके आंसर जो दिए हैं सबसे अच्छा आंसर दिया है मेरे को दिशांत ढिंगरा ने हमारे ये रेगुलर व्यूअर हैं ये लड़के हैं और हमारे ये रेगुलर व्यूअर हैं ठीक है क्वेश्चन वन है।, है उसका आंसर था कि ये एक तरह का ये एक प्रो, एक पार्लिसिस सिस्टम है और ये सील करता है वेस्ट इनसाइड एन ऑक्सीजन फ्री चेंबर एंड हीट करता है अबव फोर डिग्री सेल्सियस और इससे यूजफुल केमिकल्स को हम जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अब सवाल बनता है कि पारोलिसिस क्या होता है तो जो पार्लिसिस होता है बेसिकली वो एक केमिकल होती है, जिससे जो लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसे हम कन्वर्ट uh, कर सकते हैं इनटू कंपोनेंट मॉलिक्यूल्स उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है क्वेश्चन टू यहाँ पर आपके सामने है दैट इज डब्ल्यू और आई जो है उन्होंने 50 मिलियन डॉलर्स का एक वर्थ का एक वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड स्टार्ट किया जिसका नाम है वीड जिससे कि जो वुमेन है उन्हें असिस्ट किया जाएगा इन एसेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल ट्रेड में और डिजिटल इकोनॉमी में और ये इवेंट को इस इस फंड को रिलीज़ किया गया ड्यूरिंग द थर्टीन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस इन अबूधाबी यू ए और यहीं पर विमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड इसको शुरू किया गया और यू ने इसके लिए पाँच मिलियन डॉलर अलग से दिए हैं और इस फंड का जो पहला डोनर कंट्री है उसका नाम आपका यू है जिसने अलग से इसके लिए फाइव मिलियन डॉलर आपका प्रोवाइड किया है क्वेश्चन थ्री का आंसर है उत्तर प्रदेश इन इशूइंग फाइव करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स नंबर वन पे है और uh, इसकी जानकारी वहां के चीफ मिनिस्टर ने दी और uh, अभी तक बात करें तो फाइव uh, करोड़ सेवनटीन थाउजेंड एंड ट्वेंटी आयुष्मान कार्ड्स यूपी जारी कर चुका है और uh, यूपी की बात करें तो यूपी नंबर वन पे है सेकेंड पे आपका मध्य प्रदेश है और थर्ड पे आपका जो है वो महाराष्ट्र है इन टर्म्स ऑफ द टॉप थ्री स्टेट्स जिन्होंने आयुष्मान कार्ड्स को जारी आपका किया है तो यूपी वन पे है एम पी पे है और महाराष्ट्र आपका पे है uh, यहाँ पर एक और सवाल आपसे है uh, इनमें से कौन सा आपका वो स्टेट uh, है जहां पर uh, ऐसे साइट्स हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर दी यूनेस्को हेरिटेज साइट आई गैन रिपीट फॉर एवरी इनमें से वो कौन सा आपका एक स्टेट है जहाँ के छह ऐसे साइट्स हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर यूनेस्को हेरिटेज साइट तो उसका आंसर जो होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में वो कोलैबोरेशन किया गया है दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेट है इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन हुआ है ईवी का अडॉप्शन हुआ है तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ईवी का अडॉप्शन यहाँ पर दोस्तों किया गया है इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर अटल सेतु को सेटअप किया गया है तो स्टेट का नाम जो है बेटा वो आपका ऑप्शन नंबर थ्री है दैट इज महाराष्ट्र में वहां पर अटल सेतु का सेटअप अभी रिसेंट में किया गया है चलिए क्वेश्चन पे आते हैं आ, कुछ नए क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर टेकअप किए हैं ये क्वेश्चंस स्टैटिक जीके बेस्ड है डचिगम नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में है इनमें से कौन से स्टेट में डचिगम नेशनल पार्क रिलेटेड है डचिगम नेशनल पार्क जो है ये रिलेटेड है आपका जम्मू कश्मीर से और वहाँ का ये काफ़ी पॉपुलर एक आपका नेशनल पार्क है इस वजह से डचिगम नेशनल पार्क न्यूज़ में है आ, दोस्तों इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है जहां पर पेंच नेशनल पार्क है कौन सा स्टेट है जहां पर ये दोनों पाए जाते हैं देखिए पेंच की बात करेंगे तो वो तो आपका महाराष्ट्र में भी आएगा लेकिन अगर हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करेंगे जो कान्हा नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों आता है दोस्तों आज हम बात करेंगे अः रंटम के बारे में और आज हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में तो मेरा आपसे क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और रंटम बहोर ये दोनों इनमें से कौन सा स्टेट का रिलेशन है कौन सा स्टेट है जहां पर रंटम बहोर भी है और आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाया जाता है तो दोनों का आंसर जो होगा वो राजस्थान विल बी द राइट आंसर वहीं पर रंटम बहोर नेशनल पार्क भी है और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो जानवर है जो ये, ये है ये ये राजस्थान का स्टेट एनिमल भी आपका है तो उस वजह से राजस्थान भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों तो इनमें से कौन सा स्टेट स्टेट है इनमें से कौन सा राज्य है uh, जहां पर एशियाटिक लायन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अगर हम एशियाटिक लायन की बात करें तो सबसे ज्यादा वो पाए जाते हैं गुजरात के अंदर एंड uh, उस वजह से गुजरात भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इनमें से कौन से शहर का गुलाल गोटा जो लोग इस शहर से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि ये फेस्टिवल कहाँ होता है ये फेस्टिवल आपका दोस्तों जो होता है वो जयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसका नाम है आपका गुलाल गोटा दोस्तों इनमें से कौन सा सिटी है जहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर है जो शिव के ऊपर बेस्ड है महाकाल लोक कॉरिडोर जो है वो बेस्ड है आपका उज्जैन उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर दैट इज करेक्ट इनमें से कौन सा सिटी है जिसने अलोंग साइड इंदौर टॉप किया है क्लीन सिटी रैंकिंग्स में अलोंग साइड इंदौर सूरत ने पहली बार टॉप किया है स्वच्छ भारत सिटी रैंकिंग्स में इंदौर पिछले काफी साल से है लेकिन सूरत ने भी उसमें कंपीट आपका दोस्तों जो है वो किया है इनमें से कौन सा सिटी है जहां पर इंडिया का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस लॉन्च हुआ है कैंपस जो है इसे आईआईटी इंदौर ने बनाया है लेकिन यह इंडिया का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है तो यह जो कैंपस है इसे लोकेट किया गया है इन द सिटी ऑफ उज्जैन उज्जैन में ही ये इंडिया का पहला जो आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है वो सेटअप आपका हुआ है वेयर व द फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड मोरिशियस इंडिया एंड मोरिटानिया रिसेंटली वर ऑर्गेनाइज्ड इनमें से कौन से शहर में भारत और मोरिटानिया का जो पहला फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन है उसे ऑर्गेनाइज किया गया है uh, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डेट इज़ नुआक शॉत नुआक शॉत जो है वो कैपिटल है मोरिटानिया का और वहीं पर इंडिया मोरिटानिया के बीच जो पहला फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन है उसे ऑर्गेनाइज अभी रिसेंट में किया गया है इन मार्च 2024, ट्वेंटी अकॉर्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा बैंक डायरेक्ट लेंडिंग टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इन द कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी डैश इन फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि पहले से आपका कम हो चुका है वेल well, जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 1.7 से 1.9 ट्रिलियन रुपीज़ तक का ये अमाउंट जो है

पर्सनल लोन्स हो या फिर लोन्स हो एन के वहाँ पर जो रिस्क वेट परसेंटेज होगा उसे 25 परसेंट से बढ़ाया जाएगा जिससे कि जो रिस्क प्रोविजनिंग है जिससे जो लोन का सिक्योरिटी है वो और बेटर होगा इसी वजह से जो डायरेक्ट लेंडिंग है उसे फाइनेंशियल ट्वेंटी में कम कर दिया गया है

इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दैट इज गूगल प्ले पे ये एक ऑडिट जो है वो सरकार करेगी गूगल uh, ने पिछले uh, हफ्ते दो हफ्ते पहले मोर uh, देन 200 हंड्रेड एप्स को डिलिस्ट किया था एक प्लेटफॉर्म फ़ी चार्ज करना होता है गूगल को जिसे इंक्रीज़ किया गया था जिसका रेंज आपका 11 से 26 परसेंट तक का था उस रेंज में उन्हें चार्ज करना था फ़ी को लेकिन uh, कई कंपनीज़ ने आफ्टर वेटिंग फॉर थ्री मंथ्स नहीं माना था जिस वजह से गूगल ने उन कंपनीज को डिलिस्ट कर दिया था उनमें से काफी कंपनीज अब वापस आ चुकी हैं गूगल प्ले पे, लेकिन उस वजह से अब ये ऑडिट जो है वो गूगल पर इंडिया का आर जो है वो करेगा उम्मीद करते हैं सब लोग अब रेडी हो चुके हैं आज का दिन 27 मार्च का दिन है और आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं द वर्ल्ड थिएटर डे और आज का थीम है आपका थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस इस थीम पर आज का डे जो है उसे हम ऑब्जर्व दोस्तों करते हैं तो आज का दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एज द वर्ल्ड थिएटर डे आई होप अब सब लोग रेडी हैं आई होप अब सब लोग तैयार हैं लोगों ने अपने आंखों से कचरा निकाल लिया है लोगों ने अपने मुंह से अंगूठा निकाल लिया है और अब लोग रेडी हैं हमारे करंट अफेयर्स को लेकर एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर ताकि मैं समझ पाऊँ आप सब लोग रेडी हैं तैयार हैं फॉर द करंट अफेयर्स एनालिसिस चलिए शुरू करते हैं और पहले बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की uh, सबसे पहले और बड़ी खबर आ रही है फ्रॉम एस एन पी ग्लोबल एस एन पी ग्लोबल ने कहा है कि इंडिया इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इंडिया विल ग्रो एट अ रेट ऑफ सिक्स पॉइंट एट परसेंट According to the Economic Outlook Asia Pacific report released by S&P Global, India will grow at a rate of 6.8% for financial year 25, जो कि काफी अच्छा prediction है as per the uh, S&P Global. उनका मानना है कि India में growth better है, India में monetary policy को improve किया जाएगा, जिस वजह से India का जो growth rate रहेगा for financial year 25. That will be at 6.8%. Uh, उन्होंने कहा था कि ये 40% increase इंक्रीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्शन से थोड़ा सा कम है गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है आपका सेवन परसेंट पर जबकि इनका पहले था आपका सिक्स पॉइंट फोर परसेंट लेकिन अब इन्होंने इसको बढ़ाकर सिक्स पॉइंट एट परसेंट कर दिया है uh, जो लोग नए आए हैं उनको पता नहीं होगा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेसिस पॉइंट बेसिस पॉइंट क्या होता है बेसिस uh, पॉइंट का मतलब होता है हंड्रेड बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू वन ठीक है तो फोर्टी बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू तो अकॉर्डिंग पिछले प्रोजेक्शन में उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्वेंटी फाइव में सिक्स पॉइंट फोर परसेंट ग्रोथ था लेकिन क्योंकि उन्होंने फोर्टी बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है तो करेंटली उनके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ग्रो करेगा सिक्स पॉइंट एट परसेंट पर आ, इंडिया वैसे भी उन्होंने कहा भी है कमिट भी किया है कि इंडिया एंटिसिपेट कर रहा है कि करंट फाइनेंशियल okay. uh, करें तो चाइना का जो जी डी रेट है वो आपका फोर पे है और उनका फाइव था फाइनेंशियल परसेंट थार पे तो यहां पर आप देख सकते हो कि इजीली इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनमी बन चुकी है सिमिलरली साउथ कोरिया ताइवान और सिंगापुर यहां पर भी ग्रोथ होगा लेकिन उनका मानना है कि जापान ऑस्ट्रेलिया में इन कंट्रीज में ग्रोथ कम होगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो अकॉर्डिंग टू एस एन पी ग्लोबल इंडिया विल ग्रो एट अ रेट ऑफ सिक्स पॉइंट एट परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी फाइव अगर इसको कंपेयर करें तो एक और रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज मूडीज uh, ने कहा है इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो रहेगा 6.8 परसेंट पे फॉर फाइनेंशियली ट्वेंटी फोर फिच का मानना है फाइनेंशियल 24 में 7.8 परसेंट पे रहेगा जबकि क्रिसिल का मानना है कि अगला साल जो रहेगा वो 6.8 परसेंट पे रहेगा सो so, दो डेटा आए हैं आपके मूडीज के फिच के uh, मूडीज का फॉर फाइनेंशियल ट्वेंटी फोर करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए uh, 6.8 परसेंट है फिच का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 7.8 परसेंट है जबकि क्रिसल का अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका ट है फ्रॉम 6.4 परसेंट जो कि एग्जैक्टली सेम है इफ कंपेयर दैट टू ग्लोबल ग्लोबल तो Global का भी Crystal का भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एप्स्यूटली क्लियर है एंड दैट इज एट 6.8 पॉइंट परसेंट यहाँ पर अगर आपको और याद करना है तो आप याद करिएगा एनएसओ को एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस

ये थोड़ा सा एक जो हेडलाइन है थोड़ा सा मतलब बताने का तरीका मेरा आपसे है कि आर ने पिछले तीन महीनों में या चार महीनों में आ, जो भी कुछ किया है लोन्स को लेकर उससे अगले साल मतलब जो अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें लोन ग्रोथ थोड़ी सी कम होगी ऐसा मेरा नहीं मानना है ऐसा मानना है एस ग्लोबल का उनके अकॉर्डिंग इंडियन रेगुलेटर आर ने काफ़ी चीज़ें ऐसे की हैं जिससे लोन ग्रोथ या लोन्स के लोन्स का अलॉटमेंट थोड़ा सा कम होगा उन्होंने यहाँ पर कई चीजें बताई उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो लोन ग्रोथ रहेगा वो रहेगा 14 परसेंट पर ये आपका 16 परसेंट था फाइनेंशियल ईयर 23-24 में तो यहाँ पर काम डाउन नहीं है सर वर्ड का मतलब है क्लैम डाउन मतलब कम करना पहले से कम करना खींच के कम करना तो अकॉर्डिंग टू एस एन पी ग्लोबल फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ग्रोथ रहेगा जो कि आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है अब आपके दिमाग में सवाल आएगा अगर आप जिंदा हो और अगर आपको पेपर निकालना है तो सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होगा उसके बहुत सारे रीजन है बेटा उसमें रीजन पहला है अगर आपने देखा होगा कि अभी रिसेंट में दो कंपनीज़ हैं एक कंपनी का नाम है जे फाइनेंशियल इसे बार किया गया है इसे बैन किया गया है कि वो लोन्स अगेंस्ट शेयर डिपेंचर्स नहीं देगा इसको लेकर जांच चल रही है इनको लेकर चेक चल रहा है कि ये कैसे कर रहा है सिमिलरली आई आई एफ एल फाइनेंस को भी मना किया गया है वो भी अब गोल्ड लोन्स ऑफर नहीं करेगा उसके पहले आर ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक मार्च पंद्रह से फिफ्टींथ मार्च से ना तो कस्टमर्स ऑनबोर्ड करेगा ना डिपॉजिट करेगा और ना कोई भी लोन का ट्रांजैक्शन कर पाएगा तो ये तीन रीजंस आपके लिए काफ़ी हैं समझाने के लिए कि आरबीआई की कोशिश है कि वो रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कराए सिबल बैंकिंग कराए जिस वजह से अगले फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट होगा लोन्स का वो रहेगा 14 परसेंट पर जो कि 2 परसेंट कम है फ्रॉम द करेंट फाइनेंशियल ईयर एट 16 परसेंट ये बात सबको समझ में आ रही है एवरी इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो रिस्क वेट परसेंटेज है अनसिक्योर्ड लोन्स का एन का और क्रेडिट कार्ड लोन्स का उसे भी 25 परसेंट से हमने इंक्रीज कर दिया है ये भी एक रीजन है कि इंडिया जो है वो चाहता है कि हमारा जो लोन ग्रोथ है वो आपका ज्यादा ना हो इन दी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है उसे भी बार किया गया है कि आप ई e कॉम और इंस्टा ई कार्ड इनको भी आप इशू नहीं कर सकते इन पर्टिकुलर दो प्रोडक्ट्स में की ये आपका मिसिंग था जहाँ पर के का फुल फॉर्म है की फैक्ट स्टेटमेंट ये मिसिंग था इस वजह से आप लोन नहीं दे सकते इन कैटेगरीज में इसके अलावा जस्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो है मतलब कितना एक घर में डेट है अगर कंपेयर करें उसको इंडियन जीडीपी के साथ तो वो आपका 19 परसेंट था मार्च 2019 में जो कि बढ़कर अब आपका 24 परसेंट हो गया है मार्च 2024 में तो ये क्लियरली एक इंडिकेटर है कि जो डेट है जो जो घरों में अब जो ईएमआई है जो लोन है जो डेट है वो इन कंपैरिजन टू जी डी आपका बढ़ रहा है उनकी सैलरी उनकी इनकम उतनी नहीं बढ़ी है लेकिन उनका जो डेट है वो लगातार आपका बढ़ता जा रहा है तो ये नंबर प्लीज़ रट लीजिएगा कि जो हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी रेशियो है इंडिया में जो पहले आपका 19 परसेंट पे था 2019 में वो बढ़कर अब आपका 24 परसेंट हो गया है मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि अब एक घर के अंदर लोग इजीली ईएमआई पे सामान परचेज करते हैं लोग इजीली लोन ईएमआई पर ले लेते हैं लेकिन उससे उनका जो डेट है वो बढ़ा है आ, पेंडेमिक से पहले जो एक टेंडेंसी थी हाउस होल्ड डेट की वो कम थी लोग सेविंग्स करते थे और लोग लोन्स लेना प्रिफर नहीं करते थे लेकिन अब ऐसा देखा गया है आफ्टर बाय नाउ पे लेटर आफ्टर इंस्टा ईएमआई आफ्टर वेरियस क्विक ईएमआईज़ जो हाउस होल्ड डेट है आपका वो लगातार बढ़ चुका है आगे चलकर ये प्रॉब्लम कर सकता है तो इसको देखते हुए लोन इशू करने को लेकर लोन ग्रोथ को लेकर आरबीआई ने स्ट्रिंजेंट लिए हैं इसीलिए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में जो लोन ग्रोथ रहेगा वो रहेगा 14 परसेंट पर जो कि दो परसेंट कम है आपका फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एक सवाल आ रहा है सर लोन परसेंटेज बढ़ना इकॉनमी के लिए अच्छा है अच्छा भी है अगर लोन की क्वालिटी बेटर है एक वर्ड आता है बेटा असेट क्वालिटी अगर लोन सही व्यक्ति को सही सेक्टर को दिया गया है और लोन का रिपेमेंट बेटर हो रहा है तो लोन ग्रोथ होना अच्छा बात है लेकिन अगर लोन असेट क्वालिटी खराब है लोन को ऑफर किया गया है टू सब्राइम कस्टमर्स टू कस्टमर्स हु डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रिपे द लोन तो वो खराब है तो अगर असेट क्वालिटी अच्छी है अगर लेंडिंग टू द राइट पीपल टू राइट सेक्टर्स की गई है तो किसी भी देश के लिए वो आपका अच्छा हो सकता है क्लियर हुआ सबको कतरा कतरा सबको समझ में आ गया क्या बात है गाइस एक बार कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर हमें छप गया है अब आते हैं अगली खबर पे इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक एक्सिस बैंक ने डिजिटल ओपनिंग अलाउ किया है ऑफर यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट एट गिफ्ट सिटी मतलब अगर आप एक एनआरआई कस्टमर हैं और अगर आपको डॉलर में एफ ओपन करना एक्सिस बैंक में तो गिफ्ट सिटी में ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं इसकी परमिशन गिफ्ट सिटी ने इंडिया एक्सिस बैंक को दे दी है रिमेंबर करिएगा एक्सिस बैंक नवाजुद्दीन सिद्दीकी है और आर या गिफ्ट सिटी आपका जो है वो वो हुमा कुरेशी है उन्होंने परमिशन दे दी है उनको कि आप गिफ्ट सिटी में एक डिजिटल ओपनिंग कर सकते हैं डॉलर डिपॉजिट का मतलब एनआरआई जो है वो डॉलर करेंसी में एफ को एक्सिस बैंक में गिफ्ट सिटी में ओपन कर सकते हैं तो डिजिटल यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट फॉर एनआरआई कस्टमर्स को ओपन किया जाएगा और ये ओपन किया जाएगा एट दी आई बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गुजरात जो वहां पर इंडिया का इकलौता इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जहां पर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हो सकता है वहां पर एक्सिस बैंक को अलाउ किया गया है कि आप एक ऑनलाइन एफ डिजिटल करेंसी डिजिटल में ऑनलाइन में डॉलर डौ, में ओपन करवा सकते हैं ये परमिशन जो है एक्सिस बैंक को मिल गई है और इसी के साथ एक्सिस बैंक पहला बैंक है जो ऐसा कुछ गिफ्ट सिटी में कर रहा है और इससे जो भारतीय एनआरआईज हैं वो आराम से अपने यूएस डॉलर को यहाँ पर एफडी के तौर, तौर पर जमा कर सकते हैं जो लोग नहीं जानते एफ डी क्या होता है एफ डी का फुल फॉर्म है बेटा फिक्स डिपॉजिट एफ डी एग्जाम्पल है टर्म डिपॉजिट का जहां पर एक समय तक आपका पैसा जमा रहता है एक समय तक योर मनी इज डिपॉजिटेड एंड आफ्टर दैट टाइम यू कैन विद्रॉ द मनी विद रेट ऑफ इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट इनकम तो एक टर्म डिपॉजिट जो कि वन टाइम होता है लॉन्ग टर्म होता है जनरली टेन ईयर्स का होता है उसे दोस्तों कहा जाता है आपका एक एफ डी तो ये एक डिजिटल एफ होगा जिसमें आप डिपॉजिट करोगे यूएस डॉलर में क्लियर है सबको एवरीवन क्या बात है गाइस समझ में आ गया सबको ओके okay. इसके अलावा बात करें और अगर हम बात करें गिफ्ट सिटी की तो पिछले एक महीने में पिछले एक मंथ में दो काम और हुए हैं आपके पहला काम हुआ है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी इंश्योरेंस की है इसने ऑफर किया है डॉलर डिनोमिनेटेड इंश्योरेंस वाया गिफ्ट सिटी जहां पर आप इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट लोगे उसमें डॉलर आपको देने पड़ेंगे और तब जाके उसमें इंश्योरेंस मिलेगा मतलब मैं क्या बकवास कर रहा हूं मतलब ये कि जो परचेस करोगे इंश्योरेंस पॉलिसी को उसमें आप डॉलर को पे करके इंश्योरेंस को परचेस कर सकते हो तो ये फ़ीचर ये फैसिलिटी आपका गिफ्ट सिटी में शुरू हुआ है फर्स्ट सेकेंड एच डी एफ सी बैंक ने रेस किया है सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर्स फ्रॉम गिफ्ट सिटी इन एट आई एफ एस सी गुजरात में तो ये दो रीजन रीज़न् आपके जिस वजह से गिफ्ट सिटी भी न्यूज़ में बना है जो लोग नहीं जानते हैं बेटा गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है आपका गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्स सिटी ठीक है और आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है आपका इस केस में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ठीक है जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बैंकिंग और फाइनेंस वहां पर आपका होता है ठीक है और इंडिया का इकलौता आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है तो वहां पर एक तो स्टार हेल्थ ने डॉलर दिनॉम्ण, डॉलर डिनोमिनेटेड इंश्योरेंस को ऑफर किया है एंड सेकेंड एच डी एफ सी बैंक ने रेस किए हैं सेवन फिफ्टी मिलियन डॉलर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटर उन वजहों से आपका गिफ्ट सिटी और एफ एस सी जो है वो न्यूज में बने हुए हैं आगे बढ़ते हैं एक और प्राइवेट बैंक की बात करते हैं ये प्राइवेट बैंक आपका केरला बेस्ड है इस बैंक का नाम है फेडरल बैंक फेडरल बैंक ने कोलैबरेट किया है एनपीसीआई के साथ एन का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट्स का इंडिया का केयर टेकर ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल बैंकिंग का तो फेडरल बैंक ने कोलैबोरेट किया एन के साथ और उनके साथ मिलकर फ्लैश पे को लॉन्च किया है अब सवाल बनेगा सर फ्लैश पे क्या होगा फ्लैश पे एक कॉन्टैक्ट पेमेंट सिस्टम है इसमें क्या होगा फ्लैश पे के अंदर कि जो आपका जो ये कार्ड होगा ये कार्ड को आपको ये बस आपको टैप करना होगा और टैप करने से पेमेंट हो जाएगा और बिना पिन के आपके अकाउंट से फाइव थाउजेंड रुपीज़ तक के ट्रांजैक्शन दोस्तों जो हैं वो हो जाएंगे और अगर उसके ऊपर करना होगा तो ही आपको पिन अप्लाई करना पड़ेगा जो पिन होता है उस क्रेडिट कार्ड का वरना विदाउट दैट फाइव थाउजेंड रुपीज़ तक पेमेंट आपका टैप करके ही आराम से हो जाएगा बेसिकली ये जो कार्ड है ये एग्जाम्पल है एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेमेंट का इस कार्ड का इस्तेमाल आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कर सकते हो मतलब मेट्रो कार्ड की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो अगर टाइप हुआ है तो तो वो सारा काम भी इस पर्टिकुलर कार्ड से हो सकता है तो एन के साथ कोलैबोरेट करके आ, जो फेडरल बैंक है जो कि केरला बेस्ड बैंक है उन्होंने एक कॉन्टैक्ट एन कार्ड लॉन्च किया है जिसमें आपको सिर्फ टैप करना होगा और टैप करने से आपका पेमेंट आप टू रुपीज फाइव थाउजेंड पिन हो जाएगा जैसे मैंने पहले कहा कि इसके ऊपर अगर आप करोगे उस समय फिर आपको एक पिन डालना पड़ेगा अगर हम बात करें फेडरल बैंक की तो फेडरल बैंक के करंट के जो चेयरमैन है एमडी हैं है उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन और ये केरला बेस्ड आपका एक प्राइवेट सेक्टर ओल्ड प्राइवेट सेक्टर आपका ये बैंक है अब चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं पेमेंट ऑपरेशंस की तो कुछ दिन पहले आर ने अलाउ किया था एन ने अलाउ किया था कि जो पे पेटीएम है जो पेटीएम का पेरेंट कंपनी है उसको अलाउ किया था कि आपकी जो पेटीएम ऐप है जो यू पी ऐप है इट कैन वर्क एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर अंडर मल्टी बैंक मॉडल जहाँ पर चार बैंक्स जो हैं उनके साथ पे ने कोलाबरेट किया था जिसमें एच बैंक है जिसमें एक्सिस है जिसमें यस yes बैंक है जिसमें एस है ये चार बैंक है जिन्होंने कोलेबरेट किया पेटीएम के साथ और इसी वजह से अब पेटीएम से भी यू कर सकते हो पेटीएम से भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो और पेटीएम को अलाउ किया गया है टू वर्क एज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर ऑल्सो नोन एज टी तो सवाल पेपर में बनेगा आपसे कि टी क्या होता है और वो कौन से चार बैंक हैं वो कौन से ऐसे फोर नोडाल अकाउंट्स हैं नोडाल बैंक्स हैं जिनके साथ Paytm ने कोलैबेशन किया उनके नाम है एक्सिस एच डी एफ सी ये बैंक और जो है आपका वो एस बी आई है कि आप इस एप्लीकेशन पर पे जाकर पेमेंट कर सकते हो यहां से आप अपने अकाउंट से यूपीआई कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो उसका मतलब होता है आपका टीपीएपी क्लियर हो गया सबको यहाँ तक समझ में आ गया सबको एवरी वन क्या बात है गाइस आगे बढ़ते हैं uh, एक वर्ड है प्लीज आप लोग याद रखिएगा वर्ड का वो वर्ड है कार्ड नेटवर्क मैं यहां पर आपको क्लियर करूँ ताकि आपको याद रख रखेंगे आप लोग पहला वर्ड है कार्ड नेटवर्क ठीक है और दूसरा वर्ड है कार्ड इशूअर इंडिया में कार्ड इशूअर एक बैंक हो सकता है या एक एनबीएफसी हो सकता है जैसे कि एस कार्ड जारी कर सकता है पी कार्ड जारी कर सकता है कोई एन कार्ड जारी कर सकता है आई जारी कर सकता है लेकिन जिस कार्ड को वो जारी करेंगे उस कार्ड को कहा जाएगा कार्ड नेटवर्क इंडिया में अगर हम कार्ड नेटवर्क की बात करें तो वीज़ा है मास्टर कार्ड है रुपे है अमेरिकन एक्सप्रेस है और डाइनर्स क्लब है ये चार बड़े और एस कार्ड है माफ करिएगा तो एस कार्ड ले लो मास्टर कार्ड ले लो वीजा अमेरिकन एक्सप्रेस डायनर्स क्लब ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके कार्ड नेटवर्क के ठीक है अभी खबर आई थी कि इंडिया में आर ने कहा है कि अब एक कार्ड इश्यूअर अब एक बैंक एन किसी कार्ड नेटवर्क के साथ एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट नहीं करेगा अब एक बैंक एन को यानी एक कार्ड इशूअर को हर तरह के ऑप्शन देने पड़ेंगे कस्टमर को परमिशन होगा कस्टमर को अलाव होगा कि वो वीजा कार्ड लेना चाहे मास्टर कार्ड लेना चाहे रुपए लेना चाहे या कोई भी कार्ड लेना चाहे वो एक जो एक ऑप्शन uh, होगा वो उस कस्टमर के पास अलाव होगा आपको याद है तो उन्हीं में से दो सबसे बड़े कार्ड नेटवर्क हैं उनका नाम है मास्टर कार्ड और वीजा मास्टर कार्ड और वीज़ा को लेकर यूएस में एक डिबेट था यूएस में एक केस चल रहा था जहाँ पर वहाँ के बैंक्स ने वहाँ के कार्ड इशूअर्स ने वहाँ के कस्टमर्स ने केस किया था कि मास्टर कार्ड और वीज़ा भारी भरकम इंटरचेंज फी अप्लाई करते हैं जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं पी मशीन पर या उसका ट्रांजेक्शन में यूज़ करते हैं यहां पर एक वर्ड बेटा आया आपका इंटरचेंज फ़ी इंटरचेंज फी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी कार्ड का यूज़ करोगे स्वाइप करने में पेमेंट करने में तो जो कार्ड में एक पेमेंट आपको करना पड़ेगा जिससे कि कार्ड से पैसा दूसरे अकाउंट में मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा उस पर्टिकुलर फी को हम कहते हैं इंटरचेंज फी ठीक है और जब कभी आप कभी भी जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे ना या कोई भी कार्ड यूज़ करोगे ना खासकर क्रेडिट कार्ड किसी किसी मशीन पर स्वाइपिंग मशीन पर तो एक फ़ी पे करनी पड़ती है मर्चेंट को जो आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है ये बात आप समझ में आ रही है अगर आपको याद होगा तो जब कभी आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ बोलता है ना कि सर एक्स्ट्रा पड़ेगा 1.1 परसेंट जैसे कि यू में कहा गया है कि अगर आप यू यूज़ करोगे एक अमाउंट से ज़्यादा तो मर्चेंट को पे करने पड़ेंगे वन एक्स्ट्रा है ना वैसे ही क्रेडिट कार्ड में भी एक इंटरचेंज फी है जो कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर पे करनी पड़ती है किसी मशीन पर तो उसको लेकर मास्टर कार्ड वीज़ा ने कहा है कि जो ये इंटरचेंज फी है इसे हम कम करेंगे और इसके कम करने से अब करीब थर्टी बिलियन डॉलर का सेविंग होगा फॉर द मर्चेंट्स फॉर द बिजनेसमैन फॉर द कंपनीज तो मास्टर कार्ड और वीज़ा उन्होंने अग्री किया है कि जो एक इंटरचेंज फी है रिटेलर्स के लिए उसे कम किया जाएगा जिससे आने वाले फाइव ईयर्स में 30 बिलियन डॉलर्स का सेविंग होगा इन इंटरचेंज फी इशू क्या है इशू ये है कि रिटेलर्स ने मर्चेंट ने कहा था कि वीजा और मास्टर कार्ड जो है वो ओवरचार्ज करते हैं इंटरचेंज फी या स्वाइप फी और जब कभी कोई शॉपर क्रेडिट कार्ड यूज करता है डेबिट कार्ड यूज करता है तो उसे काफी बड़ा फी पे करना पड़ता है रिटेलर को जिस वजह से अब क्या होगा कि अब ड्यू टू एंटी शेडिंग रूल्स अब जो इंटरचेंज फी है उसे कम पे करना पड़ेगा जिससे काफी ज्यादा पैसा आपका रिटेलर का बचेगा उसको लेकर ये अप्रूवल हुआ है बेसिकली uh, ये जो पूरा केस है ये एग्जाम्पल है एंटी ट्रस्ट का ठीक है अब सवाल बनता है एंटी ट्रस्ट होता क्या है एंटी ट्रस्ट बेसिकली इज अ लॉ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मोनोपोली अगर कोई भी कंपनी है जिसकी मोनोपोली है जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है एक सेक्टर में और वो अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज़ कर रहा है तो उसको कम करने के लिए उसके खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए हम एक एंटी ट्रस्ट का लॉ लाते हैं तो ये जो हुआ है सारा ये मोनोपोली जो है वीज़ा की मास्टर कार्ड की यूएसए में उसे कम करने के लिए है ताकि उनका जो इन्फ्लुएंस है इंटरचार्ज इंटरचेंज फ़ी पे उसे हम कैसे कम कर सकें तो ये एक बहुत बड़ा आपका एंटी ट्रस्ट सेटलमेंट है जो कि यूएस में हुआ है और 2005 में शुरू हुआ था ये पूरा और अब जाकर फाइनली ये जो है वहां पर सेटल हुआ है और करीब 30 बिलियन डॉलर्स का सेविंग होगा आने वाले फाइव इयर्स में टू ऑल द मर्चेंट्स टू रिटेलर्स इन द यू तो बहुत सिंपल सी बात है मास्टर कार्ड वीजा ने सेटल किया है केस विद द रिटेलर्स जिससे कि इंटरचेंज फी को वो अब कम चार्ज करेगा इन द इन द कंट्री ऑफ यूएसए उस वजह से न्यूज में है वीजा की बात करें तो वीजा बना है आपका नाइन में वीजा हेडक्वार्टर्स है आपके सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में और रैन मैकलर्नी इसके करंट में सीईओ है मास्टर कार्ड बना 1966 में परचेज न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और मेरिट और माइकल मैबैक जो हैं इसके करंट में आपके सीईओ के तौर पर काम करते हैं तो इन्होंने ये जो एक सेटलमेंट है उसे फाइनली आपका जो है अब किया है एक सेकेंड वाइस हाँ तो हम यहां पर आपसे कह रहे थे कि आ, अब बात करते हैं हम आर की ठीक है आर जब कभी देखता है कि कुछ गलत हो रहा है तो क्या करता है तो वो आपका एक पेनल्टी लगाता है ठीक है और इस बार आर ने नासिक के जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर 59.90 लाख का पेनल्टी जो है वो लगाई है मेरे मतलब आज से काफी साल पहले गाना आया था ना ए गणपत चल डैश ला मतलब वहां पर तो उसने मदिरा पान का यूज किया था मैं यहां पर वो यूज नहीं करूंगा बिकॉज अच्छी चीज नहीं है लेकिन यहाँ पर आर ने कहा है अभी कहा है अरे बैंक पेनल्टी लाओ तो 59.90 लाख रुपीस का पेनल्टी जो है उसे अप्लाई किया है नासिक के जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर सवाल बनेगा कि पेनल्टी क्यों लगाई गई है पेनल्टी uh, लगाई गई है बिकॉज uh, इनका जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट था uh, वो uh, नहीं बन पाया विद इन द टाइम फ्रेम गिवन बाय आरबीआई, और क्रेडिट फैसिलिटीज सैंक्शन की गई हैं नॉमिनल मेंबर्स को इन एक्सेस ऑफ द प्रिस्क्राइब लिमिट और टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स पर जो कि हायर है दैन एस उस पर इन्होंने चार्ज आपका दोस्तों जो है वो किया है ठीक है तो बहुत बेसिक सी बात है कि बहुत बेसिक बेसिक सी बात यहाँ पर यह है कि कोशिश यहाँ पर आर की यह है कि ये जो कंपनी जो बैंक है उसने जो कंडीशन रखी गई थी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू मैनेजमेंट उसे नहीं माना इसी वजह से इन पर ये जो फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइन जीरो लाख है इसका फाइन अभी हाल ही में लगाया गया है इसके अलावा दोस्तों फाइन इम्पोज किया गया है सोलापुर जनता सरकारी बैंक पर इन पर फाइन है ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री जीरो लाख का और इन्होंने अपॉइंट नहीं किया इन्होंने अपॉइंट मेंबर uh, करना था मेंबर uh, किया था बोर्ड मैनेजमेंट में जो कि फ़िट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया जो है उसमें वो फिलफिल नहीं किया एंड बिकॉज़ वो जो फ़िट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है उसमें उसने फिलफिल नहीं फुलफ़िल नहीं किया इसी वजह से uh, उस पर ये फ़ाइन जो है उसे लगाया गया है एंड uh, ये फ़ाइन आपका ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री ज़ीरो लैक्स का यहाँ पर लगा हुआ है uh, इसके अलावा अगर हम आरबीआई की बात करें तो अभी कल की बात है इनोवेटिव पेमेंट्स और कंसर्टो सॉफ्टवेयर ये दो नई कंपनीज हैं जिन्हें आर ने अप्रूवल दिया है टू वर्क एज अ पेमेंट एग्रीगेटर उस वजह से इनोवेटिव पेमेंट्स और कंसर्टो आपका न्यूज़ में है नंबर वन नंबर टू जिसकी हम बात आगे करेंगे इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नैरो डाउन किया है जो डिफरेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वो नैरो डाउन किया है टू टेन पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर्स इन अक्टूबर डिसंबर क्वार्टर और गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम जो है उसको आर इन्वेस्टिगेट करेगा रिगार्डिंग वायोलेशन उस वजह से भी आर जो है वो न्यूज़ में बना है तो मैंने आपको बता दिया पेनल्टीज क्या क्या हैं और साथ में पिछले एक हफ्ते में आर ने क्या सारे काम आपके किए हैं आगे बढ़ने से पहले रश्मिया रश्मियाारा या रश्मिया रश्मि आर्या सॉरी कंग्रेचुलेशन बेटा और अच्छा लगा कि एस बी निकल गया है एंड उम्मीद कर रहे हैं कि अब आप आगे और भी लाइफ में अच्छा करोगे कंग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड ठीक है अब चलिए वापस आते हैं अब बात करते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स आपको याद करने हैं यहां पर जो टर्म आपका है दैट इज पेमेंट एग्रीगेटर ठीक है पेमेंट एग्रीगेटर एक ऐसी कंपनी होती है जो कस्टमर को और मर्चेंट को पेमेंट करने और कंप्लीट करने में हेल्प करती है बेसिकली इट विल एनेबल द कंप्लीट ट्रांजैक्शन इट विल एनेबल द कंप्लीट पेमेंट फॉर द कस्टमर एंड द मर्चेंट ठीक है रीसेंट में कंसर्टो सॉफ्टवेयर को और इनोविटी पेमेंट्स को पेमेंट uh, एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड आपका रीसेंट में किया गया है क्लियर हो गया सबको अब आते हैं अगली खबर पे इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होकर हो गया है 10.5 बिलियन डॉलर्स पे और उसमें कमी आई है uh, 2 1.2% ऑफ जीडीपी मतलब जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है ट इज इक्वल टू 1.2 पॉइंट टू परसेंट ऑफ आर जी और इस समय वो है आपका 10.5 पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर पे अब अगर मुझे इसको समझाना है आपको तो समझिएगा ध्यान से इंडिया में एक बैलेंस शीट बनती है ठीक है इस बैलेंस शीट का नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओ ठीक है बीओपी के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कितना पैसा इंडिया में आया इन और कितना पैसा आउट इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं एक होता है कैपिटल अकाउंट जिसमें हम एफ की बात करते हैं बोरोइंग की बात करते हैं एफ की बात करते हैं दूसरा होता है आपका करंट अकाउंट जिसमें हम रियल टाइम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं इसमें हम इंपोर्ट की बात करेंगे इसमें हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे इसमें हम रेमिटेंसेस की बात करेंगे कितना पैसा इंडिया आ रहा है कितना पैसा इंडिया से जा रहा है इसमें हम क्या प्रॉफिट कमाया हमने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट से उसकी बात करेंगे कितना इंटरेस्ट हमने दिया कितना इंटरेस्ट हमने लिया लोन्स पर उसकी बात करेंगे तो ओवरऑल जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन होते हैं ना रियल टाइम जिनमें रियल टाइम बेसिस पर पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है उसे हम करंट अकाउंट में काउंट करते हैं अब करंट अकाउंट में अगर नेट फंड्स आ रहे हैं और कम फंड्स इंडिया से जा रहे हैं या फिर अगर मोटा मोटा कहूं कि इंडिया का अगर इम्पोर्ट बढ़ा है एक्सपोर्ट सॉरी इंडिया का अगर एक्सपोर्ट बढ़ा है इम्पोर्ट कम हुआ है और जो डिफरेंस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में वो कम हो रहा है तो उसका वर्ड का मतलब होगा कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी आपका कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू दी आर इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो अब आपका 10.5 बिलियन डॉलर्स पे है थर्ड uh, क्वार्टर में मतलब अक्टूबर दिसंबर में फाइनेंशियल uh, ईयर 24 के uh, ये आपका 16.8 बिलियन डॉलर था या फिर 2 परसेंट था इन द प्रीवियस ईयर क्वार्टर मतलब जो अक्टूबर दिसंबर 2023 का था उसमें 16.8 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट था ये अब कम होकर आपका टेन बिलियन डॉलर्स पर जा चुका है अगर ये कम हुआ है अगर ये कम हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है और हमारा जो इम्पोर्ट है उसमें कमी पहले से ज्यादा आई है ठीक है तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है ये चीज़ आपको समझ में आ गई है क्लियर हो गया सबको तो करंट अकाउंट डेफिसिट अब हमारा डिसंबर अक्टूबर क्वार्टर जो है उसमें कम हुआ है सेकेंड uh, क्वार्टर में करंट फाइनेंशियल ईयर के सी था 11.4 बिलियन डॉलर्स पे दैट वाज 1.3 परसेंट और अब ये कम होकर फाइव ब्रियन डॉलर्स पर आपका आ चुका है सबको uh, तो क्लियर हो, सब हो गया यहां तक ओके okay, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे अंतरराष्ट्रीय खबरों को uh, जो बाइडन ने वन पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर का एक फंडिंग पैकेज साइन किया है ताकि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी उनकी बंद होने वाली थी कुछ समय के लिए जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग कोई भी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन आपका नहीं होने वाला था उसको अब अवर्ट कर दिया गया उसको अब अवॉइड कर दिया गया है जो बाइडेन आपके डेमोक्रेट हैं और उन्हें उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ा रिपब्लिकन्स के साथ इन द पार्लियामेंट ऑफ़ यूएस और जिसके बाद वहां की जो कांग्रेस है उसने पास किया है ये डील जिससे कि जो उनके एक्सपेंसेस हैं उनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें दोस्तों अब आपका जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा और सितंबर के बाद भी अब आपकी जो इकोनॉमी है यूएस की वो विदाउट एनी हस विदाउट एनी फस वो लगातार आपका जो है वो काम करती रहेगी तो यूएस प्रेसिडेंट ने फंडिंग पैकेज पे साइन किया है फंडिंग पैकेज के अंदर जो पूरा अमाउंट है वो अमाउंट आपका यूज़ किया जाएगा डिफेंस डिपार्टमेंट को फंड करने में होमलेस सिक्योरिटी फ़ंड करने में लेबर डिपार्टमेंट हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव ब्रांच इन सब की फंडिंग के लिए ये पैसा जो है वो आपका इस्तेमाल किया जाएगा बेसिकली uh, देखो होता क्या है ना कि जब आपकी पार्टी जिसकी आप प्रेजिडेंट हो अगर आपकी पार्टी किसी भी पार्लियामेंट के हाउस में चाहे सेनेट की बात करो या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करो किसी भी हाउस में अगर वो माइनॉरिटी में है अगर वो सेकेंड नंबर पे है या फिर इट इज़ नॉट द मेजोरिटी तो वहां पर फंसता है फंडिंग का पैसा पिछले साल भी ये पंगा हुआ था इस साल पंगा हुआ था लेकिन फाइनली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने कोलाबोरेट किया है और जो फंडिंग पैकेज है वन पॉइंट ट्रिलियन डॉलर्स का उसे अब इंक्रीज किया गया है यहाँ पर एक वर्ड आया आपका गवर्नमेंट शटडाउन गवर्नमेंट शटडाउन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं अगर उनको पैसा नहीं पहुंचेगा तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे वो अपने प्लान्स को अपने पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो उस समय के लिए उन्हें बंद होना पड़ेगा कोई भी कार्य कोई भी वर्क उन एजेंसीज में फिर आपका नहीं होगा इसे कहा जाता है आपका गवर्नमेंट का शटडाउन ये पहले भी एक भी होने की बात हुई थी इस साल भी ये होने के चांसेस थे लेकिन इस साल फिर से दोस्तों जो है ये कोलैबोरेट आपका कर दिया गया और शटडाउन गवर्नमेंट का नहीं होगा क्लियर uh, है सबको तुहिना रोहित किंग दीपक क्लियर है आप सबको ओकेशनल ट्रैवलर आपको क्लियर है बेटा आप को uh, क्लियर है सब कुछ ओके okay. हाँ सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चलती है मेन uh, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके फिर नहीं होते क्लियर है. है सबको क्या बात है uh, ये जो पैसा है ये सेवेंटी परसेंट गवर्नमेंट एजेंसी को कवर करता है थर्टी परसेंट का फंडिंग पिछले पिछले मंथ ही अप्रूव कर दिया गया था जहां पर एग्रीकल्चर साइंस वेटरन प्रोग्राम मतलब जो आर्मी वेटरन्स हैं सीनियर सिटीजन हैं ट्रांसपोर्ट है हाउसिंग है, है उसका ऑलरेडी अप्रूवल हो गया था सेवेंटी परसेंट जो फंडिंग थी अब इस इन्वेस्टमेंट से इस पैकेज से वो फंडिंग आपकी जो है वो हो जाएगी फाइनली यू एन ने भी एक्सेप्ट किया है यूएन ने भी फाइनली एंडोर्स किया है एआई का जो पूरा सेक्टर है एआई का जो पूरा एक एनवायरमेंट है और यूएन फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ अडॉप्टेड अ ग्लोबल रेजोल्यूशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संयुक्त राष्ट्र ने एआई पर पहला वैश्विक संकल्प अपनाया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया है इस इस रेजोल्यूशन को इसको स्पॉन्सर किया था यूएस और को स्पॉन्सर किया था 123 कंट्रीज में जिसमें रशिया चाइना और क्यूबा थे और इस रेजोल्यूशन को अब यूएन ने फाइनली जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है इसका मतलब ये है कि उन्होंने एंडोर्स किया है कि ए इज़ हियर टू स्टे ए इज़ अ सेक्टर वर्थ इन्वेस्टिंग ए इज़ अ सेक्टर विच विल ग्रो इन द कमिंग ईयर्स टू कम इसको उन्होंने ऑफिशियली रिकोगनाइज और एक्सेप्ट दोस्तों जो है अभी हाल ही में किया है Uh, इस रेजोल्यूशन के बाद से जो कंट्रीज़ हैं uh, उन कंट्रीज़ में ए का रोल बढ़ेगा uh, यहाँ पर इस बात को भी कहा गया है कि हमें अपने ह्यूमन राइट्स कैसे सिक्योर करना है उसको लेकर बात की गई है uh, यहाँ पर ये यह बात भी की गई है कि कंसर्न्स भी हैं इसको लेकर इसके रिस्क क्या हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसका ह्यूमन राइट्स पे इम्पैक्ट क्या है पर्सनल डेटा कितना प्रोटेक्ट रहेगा और डेमोक्रेसी पर इसका असर क्या पड़ेगा उसको लेकर भी यहाँ पर ये डेटा जो है यहाँ पर जो है uh, यहाँ पर जो है ये फोकस आपका किया गया तो ए रेजोल्यूशन को पहली बार यू ने एक्सेप्ट किया है जिसमें यूएस ने स्पॉन्सर किया था और वर्ल्ड ट्वेंटी थ्री कंट्रीज ने इंडिया ने यूएस के साथ उसे को स्पॉन्सर यहाँ पर दोस्तों जो है अभी हाल ही में किया था क्लियर है सबको यहाँ तक ओके एआई आई की बात करें तो पिछले महीने की बात करें तो केरला में एक एआई आई टीचर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है केरला में एक स्कूल है आपका तिरुवनंतपुरम में केरला में जहाँ पर एक ए टीचर जिसका नाम है आयरिस उसे दोस्तों लॉन्च किया गया है आयरिस को डेवलप किया है मार्क लैब्स एडोटेक ने और ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जो हैं उनको ट्रांसफॉर्म करेगा और बच्चों को बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेगा तो कुछ समय बाद हम आपको नहीं दिखेंगे मेरी जगह एक ए टीचर आपको दिखेगा जो आपके साथ डिस्कशन करेगा और आपको एग्ज़ाम निकालने में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा तो ये खबर भी न्यूज में थी कि एक ए टीचर इंडिया में लॉन्च हुआ है केरला में इनफैक्ट केरला में इंडिया का जो पहला ए स्कूल है वो भी आपका जो केरला है वहाँ पर दोस्तों उसको जो है हमने वो लॉन्च किया था और ये एक ए आई टीचर जिसका नाम है आपका आई आई आर आई एस ये इस टीचर का दोस्तों आपका नाम है क्लियर है सबको एवरी वन आप भी ए आई से करो थोड़े थोड़े हो अच्छा वो कम थोड़े हो अच्छा जी क्या बात है क्या बात है क्लियर हो गया सबको अच्छा अब दोस्तों यहां पर थोड़ा जोबी मोड ओपन करते हैं बिकॉज कुछ चीजें आपको पढ़नी है जैसे कि पहला होता है आपका जीपीटी दूसरा होता है LLM ठीक है तीसरा होता है AI चैटबॉट ये तीन टर्म आपको समझने पड़ेंगे ठीक है GPT का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा ए जिसको हमने डेटा फीड किया है और डेटा फीड करने के बाद उससे हम रिजल्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड होता है आपका एल जिसका फुल फॉर्म है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसमें हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल या मॉडल जिसमें हम काफ़ी डेटा यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं और मल्टीपल मोड्स में ये डेटा आपको मिल सकता है तीसरा होता है आपका एआई चैटबॉट जिससे आप चैट कर सकते हो और अपने डेटा फीड के बेसिस पर ए जो है वो आपको बेटर या बेस्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा वो होता है आपका ए आई अगर हम बात करें तो जमना एग्जाम्पल है आपका ए आई का ठीक है सिमिलरली इंडिया में हमने ऑलरेडी भारत जीपीटी लॉन्च किया है वो भी एग्जाम्पल ए आई का तो कई सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं तो उन वर्ड्स को प्लीज़ यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक रिपोर्ट आई है हुरन की हुरून आपका काफ़ी पॉपुलर मैगजीन है जो कि ग्लोबल रिच लिस्ट निकालता है ग्लोबल रिचनेस को लेकर बात करता है बिलेयर्स की बात करता है तो अभी एक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट का नाम है दी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जिसमें मुंबई इज नाउ द बिगेस्ट सिटी इन एशिया वन इट कम्स टू बिलेनियर्स अगर हम अरबपतियों की बात करें तो एशिया में सबसे अधिक जो अरबपति हैं वो मुंबई में है उसके बाद आपका फिर बीजिंग इंडिया में एशिया में आपका दोस्तों आता है इस रैंकिंग में इंडिया के जो रैंक है वो तीसरी है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल इंडिया में इस समय 271 सेवेंटी वन हैं मुंबई ने बीजिंग को पछाड़ा है और एशिया का बिलेनियर कैपिटल बना है और ये पहली बार हुआ है मुकेश अंबानी भी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक हो चुके हैं Uh, इसमें देखा गया है कि दुनिया में करेंटली दुनिया में वर्ल्ड में थ्री थाउजेंड टू सेवेंटी नाइन हैं इतने लोग दुनिया में बिलेनियर्स हैं चाइना में मैक्सिमम है जिनका नंबर है एट फोर्टीन फॉलोड बाई यूएस एट हंड्रेड और इंडिया में इस समय टू हंड्रेड एंड सेवेंटी वन इंडिया में बिलेनियर्स हैं यूएस ने हंड्रेड नाइन एड किए हैं पिछले साल में इंडिया ने पिछले साल ऐड किए हैं जबकि चाइना में नंबर डिक्रीज किया है बाई 155, मतलब चाइना में कम हुए हैं वहां पर इन्होंने अपना जो एक सौ पचपन लोगों ने लोगों ने वो कम किया है और इलॉन मस्क फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति आपके जो है वो बन चुके हैं टॉप टेन नेशंस की बात करें चाइना वन पे सेकंड पे यूएस थर्ड पे इंडिया फोर्थ पे यूके और फिफ्थ पे जर्मनी आता है सिमिलरली अगर हम बात करें टॉप टेन बिलेयर्स की तो इलॉन मस्क टेस्ला के नंबर वन पे हैं जेफ बेजोस अमेजन के नंबर टू हैं बर्ना अर्नो एल फ्रांस के जो लुई वितो जैसे बैग बनाते हैं वो नंबर फोर पे हैं नंबर नंबर थ्री पे हैं जकबर्ग नंबर फोर पे हैं लारी एलिसन और एकल के फाइव पे वन बफे सिक्स पे स्टीव बाम माइक्रोसॉफ्ट के सेवेंथ पे बिल गेट्स एट पे लारी पेज नाइन्थ पे और मुकेश अंबानी अब दुनिया के टेंथ रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और उनकी रैंक जो है वो नंबर टेन पे दोस्तों आपकी बनी हुई है तो बीजिंग के बीजिंग की जगह अब मुंबई एशिया का सबसे बड़ा बिलेनियर कैपिटल के तौर पर आपका सामने आया है टॉप टेन में बात करें तो टॉप टेन में नंबर वन पे न्यूयॉर्क है दुनिया में नंबर टू पे नंबर पे पे लंदन है है मुंबई ओवरऑल दुनिया में में एशिया वन पे है नंबर फोर पे बीजिंग है नंबर फाइव पे शंघाई सिक्स पे शेंजेन सेवन पे हांगकांग एट पे मॉस्को नाइन्थ पे न्यू डेली और टेंथ पे सैन फ्रांसिस्को है तो टॉप टेन में इंडिया के दो शहर हैं थर्ड पे मुंबई एंड नाइन्थ पर न्यू डेली है एट दी नाइन्थ पोजिशन पर दो सिटीज के नाम आप यहां पर जरूर याद कर सकते हैं uh, अगर इसको हम कंपेयर करें आई क्यू एयर के पोल्यूशन से इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो हंड्रेड सिटीज में से सिटीज़ कहाँ से हैं इंडिया से हैं जहां पर जो पार्टिकुलेट मैटर है टू पॉइंट फाइव ये सबसे ज़्यादा है ठीक है अगर हम कंपेयर करें पोल्यूशन को ठीक है जिसमें एक शहर है आपका बेगूसराय जिसने उसमें टॉप किया है और अगर हम कैपिटल्स में बात करें तो उसमें कैपिटल में न्यू दिल्ली ने दुनिया में आपका जो है वो टॉप किया है हालांकि पोल्यूशन में नंबर वन पे कंट्रीज बांग्लादेश और पाकिस्तान है लेकिन इंडिया के कंट्रीज भी हंड्रेड में से एट्टी थ्री कंट्रीज़ जो हैं वो टॉप में वो इंडिया से बिलोंग करती हैं बेगूसराय है, बिहार में है बेटा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है आपका और तो एक तरफ अमीरी है एक तरफ घोर पॉल्यूशन है दो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट पे आते हैं। आ, भारत का एक आइकॉनिक ब्रांड है वो है अमूल अमूल पहली बार अपने मिल्क को अपने फ्रेश मिल्क को यूएस में लॉन्च किया है गुजरात मिल्क गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है यूएस में पहली बार वहाँ पर जो इंडियन जनता है जो एनआरआईज हैं जो एशियन जनता है उन्हें केटर करने के लिए इसके लिए वो चार वेरिएंट्स अपने मिल्क के यूएस में लॉन्च करेगा ठीक है एट्टी हां हाँ सर एट्टी सिटीज इंडिया में जी आ, मिल्क प्रोडक्शन को कोलाबोरेट करेगा विद दी मिशिगन मिल्क प्रोडक्शन अथॉरिटी मिशिगन की जो अथॉरिटी है उसके साथ एसोसिएशन के साथ वो कोलैबोरेट करेगा और जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ अमूल न्यूयॉर्क न्यू जर्सी शिकागो वॉशिंगटन डैलिस एंड टेक्सिस इन पाँच शहरों में इन छः शहरों में अमूल जो है उसे लॉन्च किया जाएगा और पहली बार यूएस में ये अमूल जो है वो लॉन्च होगा तो एक एक था ना एड अमूल दूध पीता है इंडिया वहां पर अब क्या होगा अमूल दूध पीता है अमेरिका ठीक है तो वो गाना भी आप वहां पर रट सकते हो वो चीज भी यहां पर आप किया जाएगा अमूल की बात करें जिसका टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया आ, ये एक कोऑपरेटिव है और 1946 में फाउंड हुई थी और इसे फाउंड किया था त्रिभुवन दास पटेल ने गुजरात आनंद में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और जयन मेहता करंट में इसके एमडी के तौर पर काम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क कोऑपरेटिव के तौर पर अमूल को लोग जानते हैं उस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बन जाती है फिर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है जो कि वोटिंग एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करेगी उसे उसमें क्रांति लाएगी ये एप्लीकेशन खास तौर पे उन लोग के लिए है जिनकी उम्र जिनका एज 85 इयर्स से ज़्यादा है ये उनके लिए है जो पार्शली या परमानेंटली डिसेबल्ड है वो कैसे वोटिंग कर सकते हैं उनके लिए इस एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च किया गया है तो इलेक्शन कमीशन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है ताकि वोटर्स अब दी फाइव परसेंट डिसबिलिटी फोर्टी परसेंट डिसबिलिटी बेंच मार्क वो अपने वोट्स को इस ऐप के जरिए दे सकते हैं उसके लिए इस एप्लीकेशन को जो लॉन्च किया अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि आ, कुछ दिन पहले जो लिमिट थी आ, पोस्टल वोटिंग की वो 80 इयर्स थी अगर आपकी उम्र आपकी क्या मतलब आपके दादी दादा की उम्र अगर 80 के ऊपर थी तो उन्हें अलाउ किया गया था कि घर बैठे वो वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन उसे उसे इंक्रीज किया गया था बाय फाइव मोर ईयर जो कि अब 85 हो गया था तो 85 फाइव ईयर से ऊपर के जो व्यक्ति हैं या ऐसा कोई पर्सन ऐसा कोई व्यक्ति है जो विकलांगता है और उसकी विकलांगता परसेंटेज जो है फोर्टी ज़्यादा है तो वो इस एप्लीकेशन से अब वोट कर सकता है अगर आपको याद होगा तो कुछ टाइम पहले एक और एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था उसका नाम था के वाई सी जिसका फुल फॉर्म था नो योर कैंडिडेट इसको भी कुछ टाइम पहले लॉन्च किया गया ताकि अपने एरिया में जो आपका कैंडिडेट है उसको आप चेक कर पाओ उसके बारे में उसका बैकग्राउंड जो है उसे आप चेक कर पाओ इसके अलावा अभी रिसेंट में मिशन फोर फोर्टीन इसको भी लॉन्च किया गया था और ये लॉन्च किया गया था कहाँ पर ये लॉन्च किया गया था आपका हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश की जो चार सौ चौदह असेंबली बूथ्स हैं असेंबली एरियाज हैं जहाँ पर वोटिंग काफी कम हुई थी वहां पर हम कैंपेन कराए वहां पर अवेयरनेस स्प्रेड करें रिगार्डिंग वोटिंग उसको लेकर हिमाचल प्रदेश में मिशन फोर फोर्टीन को भी लॉन्च किया गया था इसके अलावा दोस्तों अगर सवाल बनेगा आप सवाल ये बनेगा कि कौन से आर्टिकल के अंडर इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस को हम प्रोविजन को हम जानते हैं तो जो आर्टिकल आपका है वो थ्री है इस समय इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और दो इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पे काम करते हैं इसकी कमेटी जो इन्हें अपॉइंट करती है जो इन्हें चुनती है अपॉइंट इन्हें, इन्हें करती है उनमें तीन लोग आते हैं पी आते हैं एक मिनिस्टर आता है जिसे पीएम नॉमिनेट करते हैं इस समय होम मिनिस्टर है और तीसरा आता है आपका लीडर ऑफ आप द ऑपोजिशन जो इस समय आपके अधीर रंजन चौधरी हैं तो तीन मेंबर्स से डिसाइड होता है कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा रिसेंट में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधु को भारत के नए इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है ऑलरेडी राजीव कुमार जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर वर्क कर रहे हैं बाकी ये दो लोग और हैं जो इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर इन्हें अपॉइंट अभी रिसेंट में किया गया है क्लियर हो गया अच्छा डी डीजीसीए ये भारत का रेगुलेटर है भारत की ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल एविएशन को मैनेज करती है सिविल एविएशन को नागरिक उड्डयन को रेगुलेट करती है डी ने एक रूल अनाउंस किया था जहां पर एक वीक में फोर्टी एट आवर्स का डाउन टाइम फोर्टी एट आर्स का रेस्ट टाइम मिलना चाहिए टू द पायलट्स उस रूल को अभी एक्सटेंड किया गया है और अभी भी कुछ समय तक जो एक गाइडलाइन था उसे अभी थर्टी सिक्स आवर्स डाउन टाइम रखा गया है तो डी जी सी ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन उन्होंने जो जून वन का डेडलाइन था फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू पायलट नॉर्म्स न्यू पायलट रेस्ट नॉर्म्स उसे एक्सटेंड किया है uh, ये नॉर्म्स का नाम है आपका एफ डी टी एल फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन और जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो पायलट्स हैं उन्हें प्रॉपर रेस्ट दिया जाए ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट उनके थकान से उनके उनके रेस्टलेसनेस से आगे चलकर ना हो उस पर ध्यान यहाँ पर दोस्तों जो है वो दिया जाता है इन नॉर्म्स में कहा गया था कि जो रेस्ट टाइम है उसे इंक्रीज किया जाए उन्होंने कहा था कि जो रेस्ट टाइम है फॉर द पायलट्स जो पहले आपका थर्टी सिक्स आर्स था एक हफ्ते के अंदर उसे बढ़ाकर अब आपका फोर्टी एट आवर्स कर दिया जाए ताकि वो व्यक्ति एक फोर्टी एट आवर्स का कंप्लीट रेस्ट मिल सके फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट टू सेकेंड फ्लाइट मतलब अगर उसने आज फ्लाइट उड़ाई है तो फोर्टी एट आवर्स के बाद दो दिन के बाद अपनी नेक्स्ट फ्लाइट को उड़ाएगा यहाँ पर जो नाइट टाइम था उसे भी एडिट किया गया था पहले आपका नाइट टाइम था ट्वेल्व ए एम से लेकर फाइव ए एम तक जिसे इंक्रीज किया गया था नाइट टाइम को ट्वेल्व ए एम से लेकर सिक्स ए एम तक का यार सिंपल सी बात है अगर मेरा पायलट थका हुआ है अगर मेरा पायलट रेस्टलेस है टायर्ड है तो एज अ पैसेंजर भी मैं ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा यस या नो समझ रहे हैं आप लोग तो उस रेस्ट टाइम को इंक्रीज करने के लिए एक अपडेट आया था और उसमें 36 सिक्स आवर्स का जो एक दो फ्लाइट के बीच रेस्ट टाइम था उसे बढ़ाकर अब 48 एट कर दिया गया था नंबर वन और जो नाइट का एक डेफिनेशन था नाइट टाइम का वो पहले 12 टू 5 ए एम था उसे बढ़ाकर अब 12 टू 6 एएम दोस्तों जो है वो कर दिया गया था इस पर एक सवाल आया था पिछले पेपर में एसबीआई पीओ में और सवाल ये आया था कि सवाल ये आया था कि एक पायलट का लाइसेंस कितने साल बाद रिन्यू करना होता है 5 इयर्स 8 इयर्स 10 इयर्स कितने साल बाद एक जो पायलट है वो अपने लाइसेंस को रिन्यू कर सकता है वो सवाल भी पेपर में आया था तो उस सवाल का जवाब भी आपको याद रखना है

इंसोलवेंट प्लान था मतलब ये कंपनी के पास पैसा नहीं था अपने फंड्स को रिकवर करने का या अपने प्लांट को मैनेज करने का और इसके खिलाफ इंसोलवेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत इसके uh, इसके खिलाफ एक कॉरपोरेट इंसॉलवेंसी प्रोसेस चल रहा था ताकि इसको रिकवर कर सकें स्टेक्स को हम सेल कर सकें तो चूंकि आपका अमरकंटक पावर एक लैंको अमर पावर एक इंसॉलवेंट कंपनी थी एक बैंक्रेप्ट कंपनी थी अब इस कंपनी को अक्वायर किया है अडानी पावर ने और इसका अप्रूवल जो है वो सी ने आपका जो है वो रिसेंट में प्रोवाइड किया अमरकंटक जो पावर प्लांट है वो छत्तीसगढ़ में है और ये पावर प्लांट को अब अडानी पावर जो है वो मैनेज करेगा यहाँ पर एक सवाल आपका आएगा कि सर ये क्या है ये क्या होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेटा एक इंडिया में रेगुलेटर है जो बिजनेस प्रैक्टिस को चेक करता है जब कभी किसी का प्रूफ जब किसी जब कभी किसी का अपोजिशन होना है किसी का मर्जर uh, होना है जॉइंट वेंचर होना है कोई भी बिजनेस चेंज होना है तो उसका अप्रूवल पहले ये करेगा ख़ास तौर पे जब कभी कोई अक्वायर जब कभी किसी कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करेगी मर्ज करेगी तो उसका अप्रूवल इनसे आना ज़रूरी है बिना इनके अप्रूवल के काम नहीं होगा एक वर्ड आया था आपका आज के सेशन में इंडिया का जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है उस रेगुलेटर का इंडिया में जो नाम है आपका वो नाम है सीसीआई वो नाम क्या है आपका वो नाम है आपका सीसीआई। ये इंडिया का एक एंटी ट्रस्ट का रेगुलेटर है इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया और रवनीत कौर इस समय इसके करंट में चेयरपर्सन है दिल्ली में इसके आपके हेडक्वार्टर्स ये इंडिया का एंटी ट्रस्ट का रेगुलेटर के तौर पे काम करता है अडानी पावर के बाद आइए बात करते हैं अडानी पोर्ट्स की अडानी पोर्ट्स विल बाय 95 फाइव परसेंट उड़ीसा गोपालपुर पोर्ट फॉर 162 मिलियन डॉलर्स जो अडानी पोर्ट है वो बाय करेगा 95 फाइव परसेंट ऑफ उड़ीसा गोपालपुर पोर्ट और इसके लिए वो स्पेंड करेगा 162 मिलियन डॉलर्स को इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है अडानी पोर्ट्स और उसने कहा है कि 95 परसेंट स्टेक अक्वायर करेगा इस पर्टिकुलर पोर्ट पर और अडानी पोर्ट इनिशियली परचेस करेगा 56 परसेंट स्टेक इन गोपालपुर पोर्ट फ्रॉम शापूंजी पैलनजी ग्रुप और थर्ट नाइन परसेंट स्टेक वो अक्वायर करेगा फ्रॉम उड़ीसा स्टीव डोर्स तो इन दो कंपनी जो कि मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स है इनसे वो ओवरऑल नाइनटी फाइव परसेंट स्टेक जो है इनसे अक्वायर करके वो मालिक बनेगा ऑफ दी गोपालपुर पोर्ट जो कि उड़ीसा के अनसिचुएटेड है और इसका जो टोटल खर्चा होगा इस वैल्यू का वो होगा वन थ्री फोर नाइन करोड़ का या फिर वन सिक्स वन पॉइंट सेवन फोर मिलियन डॉलर इतना खर्चा वो इसको इन पोर्ट्स को अक्वायर करने में दोस्तों जो है वो परचेज करेगा क्लियर हुआ सबको एवरी वन ओके अगस्त्य सेबी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है uh, सेबी का रोल आता है कैपिटल uh, मार्केट में जब किसी कंपनी को लिस्ट होना होता है कंपनी को सेल करना होता है शेयर्स को उस समय सेबी आता है जब कभी अक्विजिशन की बात करेंगे मर्जर की बात करेंगे जॉइंट uh, वेंचर की बात करेंगे तो वहां पर सीसीआई का रोल आता है वहां पर आरबीआई का रोल भी नहीं आता है वहां पर हमेशा आपका कॉम्पिटिशन है उसका रोल आता है ठीक है जी आगे बढ़े इन्वेस्ट करेगा फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर इन टू न्यू प्लांट्स इन वियतनाम वियतनाम में पेप्सी जो है वो चार सौ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा ताकि वहां पर दो नए प्लांट्स पेप्सी के वो सेटअप कर सके आ, ये प्लांट्स आपके जो होंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होंगे मतलब ये प्लांट्स वर्क करेंगे बेस्ड ऑन सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी आ, इसमें एक सदन प्लांट होगा जो कि होगा सदन लॉन्ग एंड प्रोविंस में और उसका जो खर्चा होगा वो आपका 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास का होगा जो कि वियतनाम में अभी रिसेंट में आपका बनाया जाएगा तो वियतनाम में दो नए प्लांट्स बनाएगा दो नए रिन्यूबल एनर्जी प्लांट बनाएगा कर, uh, आपके uh, पेप्सी अपने बॉटलिंग uh, प्लांट को अपने प्रोडक्शन uh, के लिए और वो वियतनाम में दोस्तों जो है वो बनाया जाएगा नंबर वन नंबर टू बात करें uh, तो नंबर uh, टू बात करें तो वियतनाम अभी आपका न्यूज में था बिकॉज वियतनाम प्लस इंडिया एंड फाइव अदर नेशंस उन्होंने एक दिन पहले uh, मिलकर लॉन्च किया है फार्म पार में एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उनका यूज़ करें और जो पेस्टिसाइड्स हैं उन्हें हम यूज़ कम से कम करें अपने एरियाज में उसको लेकर वियतनाम इंडिया और पांच और नेशन जिसमें आपका फ़िलीपींस है लेस है कीनिया है उरुगुए है इक्वाडोर है ऐसे टोटल में सेवन नेशन्स हैं जिन्होंने मिलकर लॉन्च किया है आपका फार्म जिसका मेन मकसद है कैसे हम ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करें ऑर्गेनिक फूड को जनरेट करने के लिए जहां पर हम पेस्टिसाइड्स को और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कम से कम करें उसको लेकर इस इनिशिएटिव को सात देशों जिसमें इंडिया वियतनाम लेओस, लेओस, फिलीपींस कीनिया उरुग्वे, इक्वाडोर ऐसे टोटल में सेवन कंट्रीज हैं जिन्होंने मिलकर इस इनिशिएटिव को आपका लॉन्च किया था फिर दोस्तों आईआईटी मद्रास ने कोलैबोरेट किया है विथ स्टार बर्स्ट एक्सिलेटर के साथ और उनके साथ आई मद्रास में वो सेटअप करेगा एक हंड्रेड मिलियन यूरोस का एक स्टार्टअप हब ठीक है और इस हब का टोटल बजट होगा आपका हंड्रेड मिलियन यूरोस का ये स्टार्टअप हब जो होगा वो एविएशन स्पेस और डिफेंस इन तीन सेक्टर्स का इकोसिस्टम जो है उन्हें प्रमोट करने के लिए उनमें रिसर्च करने के लिए उनमें स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए बनाया जाएगा तो आई मद्रास हैज कोलैबोरेटेड विद फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी स्टाफ बर्स्ट और उनके साथ मिलकर एविएशन स्पेस एंड डिफेंस में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक स्टार्टअप हब को आई मद्रास में सर्व करेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं किंग आप अभी रिसेंट में एक स्टैंडिंग व्हील चेयर इसको भी आई मद्रास ने लॉन्च किया था इसके अलावा एक मिनी स्पेस लैब एक मिनी स्पेस लैब जो है उसको भी आई मद्रास ने अपने आई uh, में सेटअप किया था उस वजह से भी आई मद्रास जो है वो न्यूज में बना था अपार्ट फ्रॉम दिस अ मिनी स्पेस लैब एंड ऑल्सो स्टैंडिंग व्हील चेयर उस दोनों को आई मद्रास ने अभी रिसेंट में सेटअप आपका किया था uh, अलाहाबाद कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया है इस अधिनियम को रद्द किया है अकॉर्डिंग टू दलाहाबाद और द प्रयागराज हाई कोर्ट दिस पर्टिकुलर एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसका फॉलो नहीं होना चाहिए इसका यूज़ नहीं होना चाहिए और उन्होंने कहा है कि दिस इज़ वायोलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म और आ, आ, कई आर्टिकल्स का वायोलेशन है फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 21 एंड 21 ए इन तीन आर्टिकल्स का खास तौर पे वायोलेशन है और इसी वजह से इस एक्ट को अब फॉलो नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा है कि आ, जो लोग इसको इस एक्ट के तहत मदरसा चला रहे हैं दे आर ऑल्सो वायलेटिंग सेक्शन ट्वेंटी टू ऑफ द यू जी सी एक्ट फिफ्टी सिक्स और कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कि जो आ, आ, जो मदरसा में स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप रेगुलर स्कूल में भेजें और उन्हें मदरसा में इस जो इस एक्ट के अंदर आते हैं उनमें ना भेज कर आप रेगुलर स्कूल में उनको आप पढ़ाना शुरू करें उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो ये बड़ी खबर है बिकॉज़ Uh, मदरसा एक एक स्कूल ऑफ एक स्कूल ऑफ एजुकेशन रहा है काफ़ी सालों से काफ़ी सदियों से और अब एक ऐसा लॉ आया है जहाँ पर ऐसे मदरसा जो वायोलेट करते हैं इस, आ, इस जो जो आते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर उनसे बच्चों को अब हटाया जाएगा और उनको अब रेगुलर स्कूल्स में जो है वो लगाया जाएगा उन स्कूल्स में उन्हें दोस्तों जो है वो पढ़ाया जाएगा आ, फिर सेनेगल आ, के विपक्ष के नेता बसीरु दिमो दिमो आए फाए बहुत ही बढ़िया नाम है इनका बसीरु दिमो आए फाए उन्हें सेनेगल का नया प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है सेनेगल का कैपिटल है आपका डकार करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक अब सेनेगल के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है बसीरो दियो माए फाय ये इनका नाम है और इसको अगर याद करना है आपको तो बस्सी दियो माए ऐसे याद कर सकते हो बस्सी फेमस कॉमेडियन है दियो हमारे साइड में मतलब होता है दो मेरे को दियो मतलब ठीक है और फाये बेसिकली फाय होगा तो बसी दियो फाए ये दोस्तों जो है वो सेनेगल के ये अब नए राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे आ, कल मैंने एक रील देखा रील में एक लड़की पूछती है एक व्यक्ति से ये गोमती नगर है तो लड़का बोलता है औूका पूछती है किसी और से गोमतीगर कहता है औ का थर्ड से पूछती है इज इट गोमती नगर लड़का कहता है यस तो आप गोमती नगर से वो कहता है औ का तो औूका मेरे एरिया का लखनऊ का एक बहुत ही फेमस एक शब्द है जो हम यूज करते हैं तो मुझे उससे याद आया दियो फाइ तो दियो भी एक शब्द है जो लखनऊ में काफी यूज होता है तो यस तो बसीराव दिमा जो है वो सेनेगल के दोस्तों जो है वो प्रेजिडेंट हाँ हिंदी में कहते हैं आशीष केशव जी और क्या लेकिन मेरे शहर में कहते हैं औका ठीक है, है चलिए नेक्स्ट पे आते हैं आ, सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पे भारत में जो एक पक्षी है माफ करेगा एनिमल नहीं है पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आ, उसके प्रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाने की बात की है ये कमिटी को अनाउंस किया है जीवा चंद्रचूर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कहा है कि जो ग्रेन एंड बस्टर्ड है वो काफ़ी क्रिटिकल एंडेंजरमेंट काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और उसके लिए हमें अलग से कमिटी बनानी पड़ेगी और वैसे भी बिकॉज ऑफ कोलिजन्स विथ हाई पावर्ड केबल्स इन गुजरात एंड राजस्थान जो उनकी पॉपुलेशन है काफ़ी कम हो चुकी है और विलुप्त के कगार पे एक्सचेंजन कगार पे आपका आ चुका है तो इसी वजह से जो ये इसको लेकर एक कमेटी जो है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है ये कमेटी में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स होंगे कंजर्वेशनिस्ट होंगे गवर्नमेंट गवर्नफिशर्स होंगे और इनके पास टास्क होगा कैसे जो इलेक्ट्रिक लाइन्स होगी कैसे उन्हें हम अंडरग्राउंड और ओवरहेड लाइन जो है कैसे उन्हें हम कर सकें ताकि जो ये आपके बर्ड्स हैं ग्रेन बस्टर्ड हैं ये मरने से बच सकें खासतौर तो पर गुजरात और राजस्थान में उसको लेकर कमेटी जो है उसे अभी फिलहाल बनाया गया है एनिमल uh, से याद आया एक इंडिया का पहला स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल बना है uh, कहाँ पर uh, मुंबई में दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल वेलफेयर सेंटर बना है वंतारा जामनगर गुजरात में uh, इसके अलावा अभी एक uh, एक स्पेशली uh, एक स्पीशीज है जिसका नाम uh, इसरो के नाम पे रखा गया है और एक और स्पीशीज़ जिसका नाम uh, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पे रखा गया है स्पीशीज कौन सी है वो बताना है आपको कि दो चीज़ें हैं एक का नाम रखा गया द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर और एक का नाम रखा गया इसरो के नाम पर तो उन वजह से भी आपका स्पीशीज जो एनिमल्स के हैं या बर्ड्स के हैं वो आपके न्यूज में हाँ वो है आपका आइसोपॉड जो है एक आइसोपॉड होता है उसका नाम आइसरो के नाम पे है और एक आपका स्पीशीज जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर उसका नाम रखा गया है इंडियन ओरिजिन एमिनेंट मैथमेटिशियन थे डॉक्टर टी एन सुब्रमण्यन मन्यम इनका यूएस में डेथ हुआ है ये क्रिएटर थे राउट वन कंपनी के एंड सर्वर फॉर जनरल मोटर्स इनकी डेथ हुई है मिशिगन में यू uh, ये ये माइग्रेट किए थे सेवेंटी नाइन में और एकेडमिक सर्कल्स में इंडिया में यूएस में काफ़ी पॉपुलर थे और इनकी दोस्तों डेथ हुई है इन यूएस इनका नाम है डॉक्टर टी एन सुब्रमण्यन हु वाज अ मैथमेटिशियन एंड द क्रिएटर ऑफ द राउट वन कंपनी एंड द सर्वर फॉर जनरल मोटर्स इनकी अभी हाल ही में आपकी दोस्तों डेथ हुई है Uh, फिर दोस्तों एक एक्टर थे एक कॉमेडियन थे सेशु, ही हैज़ पास्ट अवे एट द एज ऑफ सिक्सटी और uh, प्राइवेट हॉस्पिटल में चेन्नई में uh, इनका नाम था लक्ष्मी नारायण सेशु जिन्हें लोलू सभा सेशु के नाम से लोग जानते थे और uh, इनकी डेथ चेन्नई में हुई तमिल एक्टर थे और ही हैज़ रिसेंटली गाइज पासड अवे फिर एक किताब आई है uh, ये किताब जो है ये एक मगही नॉवल था जिसे इंग्लिश में रिलीज़ किया गया है मगही एक भाषा है एक रीजनल डायलेक्ट है तो फूल बहादुर द तो फर्स्ट मगही नावल इन इंग्लिश हैज़ रिलीज डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी नेशनल लिटरेसी फेस्टिवल जो कि 19 से 21 मार्च को हुआ था वहाँ पर ये पहली एक मगही नावल है जिसे इंग्लिश में पब्लिश किया गया है ट्रांसलेट किया गया है इसका नाम है फूल बहादुर इसे ट्रांसलेट किया है अभय के रिनाउंड राइटर हैं फ्रॉम नालंदा बिहार उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है इस बुक का नाम है फूल भंडा सॉरी फूल बहादुर जो कि पहली मगही नॉवल है जिसे इंग्लिश में अभी में ट्रांसलेट जो है है वो किया गया है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे न्यूज कनेक्टर्स पे इंडिया का जीडीपी जो है वो ग्रो करेगा 6.8 परसेंट पे एस पर एस एन पी ग्लोबल आरबीआई का रेगुलेटरी क्लैमडाउन हुआ है लोन्स पर जिसको लेकर लोन ग्रोथ कम होगा एक्सिस बैंक ने पहला डिजिटल ओपनिंग ऑफ यूएस डॉलर फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया सिटी में। फेडरल बैंक लॉन्च किया है फ्लैश मास्टर कार्ड वीज़ा ने किया थर्टी बिलियन डॉलर का सेटलमेंट ओवर क्रेडिट कार्ड इंटरचेंज फी आरबीआई ने चार्ज किया है, है जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो

अडानी पावर ने एक किया है लैंगो अमरकंटक पावर को अडानी इन बापुर पोर्ट इन उड़ीसा पेप्सी को अपने दो नए प्लांट बनाएगा डॉलर स्टार्टअप हब और यह आपका होमवर्क है वेयर वर द फर्स्ट फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडियम और अटानिया ऑर्गेनाइज विच फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली साइन अग्रीमेंट टू बिल्ड ऑस्ट्रेलियां विच कंट्री रिसेंटली परफॉर्म दर्स्ट ट्रांसप्लांटिकली मोडिफाइड किडनी जवाब दोस्तों आपको देने और बाकी दोस्तों यूज करना है कोड आपको के पी ट्वेंटी फाइव का अगर वो नहीं, नहीं वर्क कर रहा है तो आपको यूज करना है कोड के पी टेन का बाकी मेरा बैंकर बाबू थ्री पॉइंट जीरो आपका आएगा अप्रैल में साथ ही में आ, मेरा आर आर बी का जो बैच है वो भी आपका आएगा अप्रैल में तो उन दो बैचेस को आप जरूर से अवेल कर सकते हैं थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय बाय गाइस टेक केयर एवरीवन मुलाकात करेंगे आपसे आज दिन में दो बजे तब तक के थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस बाय थैंक यू सो मच जयदीप गामिर जी uh, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इस हफ्ते संडे को वीडियो आ जाएगा उस वीडियो से आप जान पाओगे कैसे आपको इंटरफेस पढ़ने हैं ठीक है थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर गाइस एवरीवन बाय बाय